झज्जर में जनसंकल्प रैली का आयोजन किया गया। भाजपा के हजारों कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे और उन्होंने रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने कहा, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा माहौल चल रहा है। कमाल की बात आज ये रही, अरविंद शर्मा ने झज्जर के लिए बड़ी सौगात दी। जी हाँ, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर मैं झज्जर तक मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं कर पाया तो अगली बार आपके बीच में वोट की अपील करने नहीं आऊँगा। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं नजफगढ़ से ढांसा बॉर्डर तक और ढांसा बॉर्डर से झज्जर तक मेट्रो कनेक्टिविटी करूंगा और अगर मैं इस कनेक्टिविटी को नहीं कर पाया तो मैं आपके बीच में वोट की अपील नहीं करने आऊंगा। जब हमने ये भाषण सुना तो हमें भी बड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन हमने इसके बारे में पुष्टि करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब इस बारे में बात की तो मनोहर लाल खट्टर ने भी पूरी तरह से हामी भरते हुए उन्होंने कहा, जी हाँ, जो अरविंद शर्मा ने कहा है भारतीय जनता पार्टी उसे पूरा करेगी और झज्जर को मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है, क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी से जुड़ने के बाद झज्जर का चहुमुखी विकास होगा। तो जाहिर सी बात है, अब अरविंद शर्मा ने बाजी मार ली है। जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी उन्हें विकास न होने की बात को लेकर घेरती नजर आई, लेकिन उन्होंने नहले पर दहला मारकर अब की बार कांग्रेसियों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अब जल्द ही झज्जर को मेट्रो कनेक्टिविटी की सौगात मिलने जा रही है। जरा आप भी सुने क्या कहा मनोहर लाल खट्टर ने। और हमारा कार्यकर्ता एकदम चार्ज्ड है, 3.5 लाख कार्यकर्ता ऊपर से नीचे तक सब अपने काम में लगा है, गली मोहल्ले में भी, सभाओं में भी और जितनी व्यवस्था है उनमें भी लगा है। और अभी जब तक वो संभलेंगे तब तक तो हम 90 के 90 विधानसभाओं में अपने नामांकन वगैरह करने के साथ साथ 8 या 10 तारीख तक हमारी सारी रैलियाँ पूरी हो जाएंगी और उसके बाद केंद्रीय नेताओं के हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे और वोटिंग के दिन बहुत एक मजबूत तरीके से वोटिंग भी अच्छी होगी ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और उस वोटिंग अच्छी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ेगी, 10 की 10 सीटें। आचार संहिता के सर दो नोटिस आए हुए हैं देश के प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को, देखिए अब ये आचार संहिता का क्या नोटिस है मुझे उसकी जानकारी नहीं है। और जो कुछ विषय होगा हमारे जो चुनाव का व्यवस्था देखने वाले लोग हैं वो उसके बारे में उस नोटिस के बारे में। संसद ने बड़ी घोषणा की है कि मेट्रो नहीं आई तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरी पर्सनल ऐसा है नहीं नहीं वैसे भी उस मेट्रो के बारे में नहीं, रेलवे लाइन के बारे में निश्चित हो चुका वो हो गया। मेट्रो की मेरी डिमांड गई हुई है क्योंकि जिस संगठन ने तय करना है उनकी एक DPR बनेगी, वहाँ का जो लोड है यात्रियों का उसका आंकलन करते हैं। आखिर रेलवे एक प्राइवेट एक संस्था है, प्राइवेट तो नहीं कह सकते।